बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मैंगो की आइसक्रीम बनाया था और बहुत क्रीमी बहुत टेस्टी ये आइसक्रीम बन के रेडी हो चुका था और हमने खाया और बहुत टेस्टी लगा, मैंने बहुत यम्मी लगा। वाह, ऐसे ऐसे हमने इसमें भी देखिए ये जो है बंद हो जाता है, तो ये देखिए आप मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखा करें और शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें। यार करो ना, बढ़ाओ ना इसमें सब्सक्राइब। मालूम है आप लोग गरीबों के नहीं हैं लगता है ना, तो जल्दी से बढ़ाओ ना सब्सक्राइब, बढ़ाइए प्लीज़। चलिए किचन में चलते हैं, क्या क्या लगेगा, क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों से बना, यानी परफेक्ट मीठा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बहुत परफेक्ट। मेरे हस्बैंड जी आए हैं, वो भी खा के बताएंगे। जरा सा आप भी खाइए ना प्लीज़। ये देखिए क्या लगा, कैसा बना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर अब आ जाइए हमारे किचन में आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आइसक्रीम, मैंगो की आइसक्रीम बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने चार मैंगो ले लिया है और यहाँ पे एक कप हमने दूध लिया है और यह कंडस मिल्क है 3 चम्मच भर के लिया है और एक आधा कप है मिल्क पाउडर और यहाँ पे है अमूल फ्रेश क्रीम 1 डिब्बा। तो सबसे पहले इसको छील के काट लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको छील लिया और काट लिया है और अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे इस तरह से और सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। सबसे पहले मैं मिल्क पाउडर और डालेंगे और जो है कंडेंस मिल्क तो डाल देती हूँ इसमें, इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी डाल दी हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शक्कर डाल सकते हैं इसकी जगह 3 से 4 चम्मच, जैसे आपको मीठा पसंद हो आपके ऊपर। देखिए हमने इसको पीस लिया है मैंगो के साथ में, अब डाल देंगे इसमें दूध, यहाँ पे दूध डालेंगे, वापस से फिर मिक्सी चलाएंगे। तो ये देखिए हमने दूध डाल के भी इसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है वापस से। अब इसमें डालूंगी क्रीम, ये देख सकती हैं मैंने क्रीम जो है पूरी पैकेट डाल लिया है और इसको भी चला लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है, बहुत स्मूथ है ये देखिए, आप देख सकती हैं बहुत फ्लेवी बना हुआ है। तो क्या करेंगे, इस तरह से आप डिब्बा ले लीजिए, ये देखिए इस तरह से कोई भी आपके पास आता हो, अगर घर पे आइसक्रीम का डिब्बा नहीं है तो टिफिन वगैरह है तो या तो इस तरह से। तो मैं इसमें जब आने वाली हूँ इसमें जो है नहीं आएगा, ओके। तो सबसे पहले चलिए इसमें डाल देती हूँ। वाह, देख रही हैं कैसे गिर रहा है, बिल्कुल अच्छे से मसाला से हो गया, इसमें आ गया सारा, अगर उसमें डालती तो नहीं आता। तो चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा टैप टैप कर देते हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको अगर आपको कलर चाहिए तो इसमें थोड़ा से फूड कलर यानी येलो कलर डाल सकती हैं 1 पिंच, इससे आपका बहुत येलो येलो कलर, लेकिन मैं ओरिजिनल बना रही हूँ इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डालूंगी। तो चलिए 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, फिर वापस से कुछ करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, फिर उसके बाद मैं छोड़ूंगी ओवरनाइट पूरी रात के लिए। ये 4 घंटा हो गया, 4 घंटे के बाद हमने निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा सा ये जम चुकी है ये देख सकते हैं। तब इसको इस तरह से हिलाएंगे, ये देखिए अब तो अब इसमें डाल देंगे मैं ये देखिए आधा कप मैंगो बारीक कटा हुआ, ये अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। तो चलिए इनको मिला देते हैं, वापस से फिर रख देंगे मिलाने के बाद। तो ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया, वो स्कूल से आ गई है तो बोल रही है बोल दो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है, तो बिल्कुल सही अपने बच्चों के लिए ही बनाया है मैंने। अब इसको फ्रीजर में 8 से 9 घंटे या ओवरनाइट के लिए आप धर सकते हैं, तो मैं ओवरनाइट डाल रही हूँ पूरी रात के लिए, बिल्कुल अच्छे से ये ठंड के मैंने बिल्कुल ये ऐड जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं, जब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत। ओवरनाइट हमने सारी आइसक्रीम को रख दिया था आप देख सकती हैं और ये अच्छे से मसाला से कड़क हो चुका है आप देख सकती हैं। और यहाँ पे मैं दूसरी भी आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी हमने जो बचे हुए थे ये भी सारे डाल दिए थे इसमें, तो ये देखिए। और यहाँ पर हमने इसमें भी डाला है कुल्फी मोड में आइसक्रीम का है, तो इस तरह से हम ये देखिए इसको पानी में डिप कर देंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से निकाल के दिखाती हूँ और जो है
बहुत क्रीमी, मतलब ना मैंगो आइसक्रीम मेरा बना हुआ है। तो चलिए एक मिनट, ये देख सकते हैं, ये तो मेरे पास वो तो है नहीं आइसक्रीम निकालने वाली। तो ये बहुत मसे से देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ये क्रीमी आइसक्रीम बना हुआ है। तो इस तरह से हमने बाउल में निकाल लिया है और आप देख सकती हैं ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो मैं आपको ये देखिए बहुत क्रीमी बना, मतलब ये देखिए आपको चम्मच में लेके दिखा रही हूँ, ये देखिए देख सकती हैं ना बिल्कुल, ये बहुत यम्मी टेस्टी बना है। मुँह में फटाफट घुल जाते हैं जो आप मंगाते हैं। ये हम लोग ये वाले कंपनी का मंगाती हूँ, यह ऐसे बहुत अच्छी होता है, लेकिन बिल्कुल उसी का टेस्ट हमने दिया है, बहुत अच्छा आया है टेस्ट, यम्मी टेस्ट आया है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा आइसक्रीम और जो है फीडबैक भी दीजिएगा, नहीं तो फिर मैंगो का सीजन चला जाएगा, आप बोलेंगे आपने बताया नहीं तो मैंने बनाया नहीं। तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा मैंगो का आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखिए जो है ये भी हमने पानी से जो इसमें डाल के रखी थी ये भी हमने निकाल लिया। तो एक ये देखिए आपको निकाल देती हूँ, ये देखिए वाओ कितना यम्मी, वाओ बहुत यम्मी और टेस्टी बना है। तो चलिए यहाँ पे होती है मेरी वीडियो खलास, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। अल्लाह हाफिज़। आप चाहिए सच में बोल रही हूँ, बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी, मुंह में बिल्कुल घुल जाती है ये आइसक्रीम। तो ये हमारे बच्चे खाएंगे और मैंने तो अपने लिए निकाल ही लिया। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।